स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इवियर्स चैप्टर एट क्लोथ्स वी वेयर। ये चैप्टर आपका एक्सप्लेन हो गया, इसके हार्ड वर्ड्स भी हो गए। अभी टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है और वो फिलअप करना है, ठीक है। वी वेयर इन समर्स, तो देखो ए लिखा है कॉटन क्लोथ्स, बी वुलन क्लोथ्स एंड सी रेनकोट्स। तो कॉटन क्लोथ्स हम समर में पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स हम किस में पहनते हैं, ठंड में, विंटर में पहनते हैं, और रेनकोट्स हम तो रेनी सीजन में पहनते हैं। तो हम समर में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, तो कॉटन क्लोथ्स। इसका आंसर आएगा कॉटन क्लोथ्स, जो मैंने फिलअप कर दिया है। आपको स्पेलिंग लर्न करनी है इसकी, ठीक है। नंबर सेकंड, वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन द, अभी मैंने बताया आपको वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं, विंटर्स में। तो देखो इसमें ऑप्शन दिए हैं ए समर्स, समर, बी विंटर्स एंड थ्री द रेनी सीजन। तो आंसर मैंने फिलअप कर दिया है बी विंटर। विंटर सीजन में हम कौन सा क्लोथ्स पहनते हैं, कौन से वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। अभी थ्री, अ रेनकोट कीप्स अवर बॉडी, क्या करता है अपनी बॉडी ड्राई करता है वो। इसमें ऑप्शन दिए हैं ए ड्राई, बी कोल्ड, सी वॉर्म। बी मीन्स कोल्ड मीन्स ठंडा, सी मीन्स गर्म, और ड्राई मीन्स सूखा करता है। तो अपनी बॉडी को सूखा करता है ना, हम सबको गीले होने से बचाता है रेनी सीजन में, कौन, रेनकोट। ये आपके अभी क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर, नहीं ट्रू और फॉल्स और क्वेश्चन आंसर मैं आपको बाद में करवाऊंगी। ये आपको लर्न करना है और क्लास वर्क की और होमवर्क की दोनों बुक में लिखना है, ठीक है। थैंक यू।